तुम्हें हजार दफा समझाया कि इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा, समझे तुम? Good morning. Hey, Hassan, how are you? I'm good. आप बताएं, आज लंच साथ करें या मैडम बिजी हैं आज भी? Hassan, there's a lot of pending work, so maybe some other time. I'm sorry. Well, I need to get done with this. जरा देखें, बंद नहीं हो रहा। सारा, ये क्या पहना हुआ तुमने? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ढंग से तैयार हुआ करो। You just don't care about my status? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। आदर, ये घर भी तो मेरे माँ बाप ने ही दिया है ना, अब फिर भी उनको हर बात में क्यों बीच में ले आते हैं? हर दफा मुझे ये याद दिलाना जरूरी नहीं है। You have 10 minutes, now go and change.
Hi, sweetheart. सारा कहाँ जा रही हो? 4 बजे मीटिंग है हमारी, भूल गया? Is everything all right? Everything is fine. बस मेरी तबीयत कुछ सही नहीं. I'm sure you can handle the meeting without me. सारा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो? नहीं नहीं, everything is fine. Seriously. जी वालेकुम सलाम. मैंने पूछना था ये फूल किसने रखे हैं मेरे ऑफिस में. ओके ठीक है. पूछना था कि इस बिल्डिंग में से किसी ने ये वाले फूल तो नहीं खरीदे आपसे? किसी ने नहीं? नहीं नहीं. ठीक है, थैंक यू. सारा, I don't think this is working out anymore. आदिल, आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में. I always wanted an independent woman in my life. और तो मेरी घर वालों की पसंद ही मेरी नहीं. I don't think this can work out anymore. आदिल, हम आराम से बात कर सकते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि हम मिलके इस रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं. कर सकते हैं अगर तुम कोऑपरेट करो. और तुम अपना हुलिया देखो क्या बना के रखती हो.
के एक साल गुजर गया, मगर आज भी ये बातें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। किसी और को आदिल की जगह देना आसान नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। इश्क में खोए जाओगे तो बात की तरह भी पाओगे, कदर हमारी तुम जानोगे, दिल को कहें जो लगाओगे। इश्क में खोए जाओगे तो सब्र कहाँ पे हर से बाहर आओगे। इश्क में खोए जाओगे तो इतनी खामोश क्यों? कुछ भी नहीं, वैसे। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैंने ये नई शर्ट पहनी है, कैसी लग रही है? अच्छी है, लेकिन मुझे तुम पर वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। रियली? वैसे वाइट तुम्हें बहुत सूट करता है। थैंक यू। उदास मत हुआ करो, तुम हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो। कहना था ये मेरे जो फूल हैं किसी वाज में डाल दो प्लीज। ओके। किसी ने आज फूल भिजवाए थे ना? भिजवाए थे। दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी फूलों का बुके डिलीवर कराना था इस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पे और हसन मीर के नाम पे. ठीक है, और साथ प्लीज़ ये नोट ज़रूर दे दीजिएगा. ठीक है, याद से और मेहरबानी करके शाम से पहले. शुक्रिया. लगता है किसी का इंतजार कर रही थी. तुम क्यों आए हो आदिल? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता. मेरी बात को मत घुमाओ. तुम यहाँ क्यों आए हो? Listen, I know I was childish. I know I made a bad decision. I'm sorry. क्या तुम सब कुछ भुला के मुझे माफ नहीं कर सकती? You think? Adil, you think? काश तुम्हें ये समझ आ जाती कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे वक्त ही नहीं दिया. मैंने तुम्हें हमेशा बहुत प्यार देने की कोशिश की, हालांकि मेरी भी शादी तुमसे अरेंज ही थी. अब मैं बिल्कुल वो बन चुकी हूँ जैसे तुम्हें चाहिए थी, इंडिपेंडेंट. मगर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं. आई हैव हैड इनफ. गेट आउट. लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो. मुझे याद दिलानी पड़ेगी. I said get out. यार जी कर बात सुन. डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लिया, इसको मेल कर दे प्लीज. ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ. वैसे इट्स गेटिंग टू लेट. तू निकल अब. सही कह रहा है यार, बहुत लेट हो गया. चल ठीक है, इसको यहाँ से मेल करते हैं. ओके, थैंक यू. ओके, ठीक है, बाय बाय. अब आ रहे हो तुम? रास्ते में रश था, पता तो है तुम्हें. बाहर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? प्लीज थैंक यू. सारा थैंक यू. बहुत अच्छी लग रही हो. वैसे तुम सिंपल भी बहुत अच्छी लगती हो. मजे की बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया. क्या?
थर्ड फ्लोर वाले सारा हसन जिनकी बातें मैं तुम्हें सुनाया करता था, तुम्हें पता है आज उनकी लव स्टोरी मैंने शुरू करवाई ही थी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि वाइट शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लगती है। आज वही पहन कर आया हूँ। You look very handsome. मुझे हमेशा से लगता था कि हसन सारा को बहुत पसंद करता है, लेकिन पता नहीं वो इतना डरता क्यों था। देखा, आज मेरे इन्हीं फूलों ने कमाल कर दिया और तुम कहती हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। रंग मोहब्बत के हैं कितने, और रंग मोहब्बत के हैं कितने, कोई तुम्हें खुश आवेगा, खून करोगे या दिल को, खून करोगे या दिल को, यादागे जिगर से चिल्लाओगे, इश्क में खोए जाओगे तो।